चंचल गुप्ता फ्रॉम दिशा रिहैबिलिटेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक। आज मैं आपको कुछ सेंसी टैक्टाइल एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगी। मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी इन एक्टिविटीज के बारे में आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप घर पर बच्चों को इजी तरीके से करवा सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिनको आप टॉय शॉप से या ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। उन टेक्सचर्स के साथ में आप बच्चे को घर में इजी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ में एक्सपोज करा सकते हैं। इन टेक्सचर्स में हम बच्चे को स्मूथ, गीला, सूखा, सॉफ्ट, रफ, हार्ड ऐसे टेक्सचर्स के साथ में एक्सपोज कराते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बच्चों को टेक्सचर्स एक्सपोज कराने के लिए मैं उसके हाथ पे कलर लगाऊंगी। कलर किसी भी तरीके का, कोई भी कलर ले सकते हैं हम, रेड, ग्रीन, येलो या ब्लू कलर। ब्राइट कलर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इससे बच्चे को विजुअल भी मिलेगा और बच्चा एंजॉय भी करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कलर को बिल्कुल अपने हाथ पे लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तो गीला होता है और फिर हाथ पे कुछ भी लग जाए उनको पसंद नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चे इसको काफी एंजॉय करते हैं। तो हम इस तरह से बच्चे के हाथ पे कलर लगाएंगे और उसको कुछ देर के लिए रखेंगे और फिर उसके बाद हम उसको आर्ट फाइल पे, ड्राइंग फाइल पे पेंटिंग करा देंगे। कुछ बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं इस तरीके से। सेकेंड एक्टिविटी में मैं कराऊंगी वाटर बैलून एक्टिविटी। इसमें मैंने कुछ वाटर बैलून्स लिए हैं, इनको धीरे धीरे उठाकर बच्चों से बोलेंगे कि आप उठाकर इनको दूसरे बकेट पे, दूसरे बाउल में रखेंगे। उठाओ बेटा, वन वन करके दोनों हैंड से, दोनों हैंड यूज करो, वेरी गुड, बाउल में डालो, वेरी गुड। नेक्स्ट उठाओ, ऐसे उठाओ दोनों हैंड से, वेरी गुड। फिर उठाओ उठाओ, ये एक्टिविटी मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को गीले गीली चीजों से या पानी से बहुत डर लगता है, तो उनको इसमें इस एक्टिविटी को कराने से उनका ये डर निकलेगा और उनको वाटर बलून होने के कारण और कलर होने के कारण बच्चों को उनसे एक्टिविटी करना बहुत अच्छा लगेगा। थर्ड एक्टिविटी मैं कराऊंगी फोम एक्टिविटी। ये मैंने स्पंज लिया, इसको स्पंज एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ये मैंने एक स्पंज लिया, इसे बाउल में डाला है, उसको बच्चे से बोलेंगे कि वो उसको उठाएगा, पानी से निकालेगा, वेरी गुड निकालो, और दूसरे बाउल में उसको स्क्विज करेगा, वेरी गुड। इससे उसकी प्रेसिंग एक्टिविटी भी होगी और टेक्चर एक्टिविटी भी होगी। वेरी गुड, स्क्वीज करो, वेरी गुड। और ऐसे और इधर प्रेस करो, पकड़ो, ऐसे प्रेस करो, ऐसे प्रेस करो, ऐसे और ऐसे प्रेस करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, वेरी गुड। चलो दबाओ, ऐसे दबाओ, हाँ चलो, वेरी गुड, चलो प्रेस कर दो, ऐसे इधर से भी प्रेस करो, हाँ करो, दोनों हाथों से प्रेस कर दो, ऐसे गुड, वेरी गुड। चलो प्रेस करो, एक वेट करो, वेट 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 प्रेस, हाँ चलो, दोनों हैंड से, दोनों हैंड से, ऐसे गुड, वेरी गुड, दम लगा के, चलो वेरी गुड, डुबाओ अच्छे से, अच्छे से डुबाओ, हाँ चलो चलो प्रेस करो, दोनों हैंड से, दोनों हैंड से इसको, हाँ ऐसे, वेरी गुड, प्रेस करो, वेरी गुड, फिर से लास्ट लास्ट, चलो ऐसे ला, दोनों हैंड से ला, दोनों हैंड से बराबर, वेरी गुड गुड, चलो पापा कलर फिनिश। नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने ली है, इसमें मैंने ग्लव्स के अंदर कुछ जेली बॉल्स डाले हैं, उनको वाटर बॉल्स भी बोलते हैं, इसके अंदर मैंने कॉटन बॉल्स डाले हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी दाल डाली है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट किसी टेक्सचर को टच नहीं करना पसंद करते, इसलिए उनको इसके थ्रू इनडायरेक्ट वे में हम उसको टच करवाएंगे। इस तरीके से उनको हाथों पर टच करा सकते हैं, वो इस तरीके से इनको प्रेस करके भी देख सकता है, ऐसे प्रेस भी करके देख सकता है, इस तरीके से ये हर तरीके का टेक्सचर बच्चे को मिल रहा है। इस तरीके से आप बच्चे के हाथ पे भी उसको रख सकते हैं, टेक्सचर उसको एक्सपोज करा सकते हैं। जेली बॉल वाला है,
मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी में ये स्पाइक बोल ली है, इसके अंदर छोटे छोटे से ये स्पाइक्स निकले हुए होते हैं जो कि बच्चों के ऊपर जिस तरह से हम रोल करते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि इस एक्टिविटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो चाहते नहीं कि उनकी बॉडी से किसी भी तरीके का टेक्चर इस तरीके से टच हो। इस तरीके से हम बॉडी के ऊपर बच्चे के स्पाइक बॉल से रोल करा सकते हैं, टेक्चर दे सकते हैं उसको। इस बॉल से हम बच्चे को प्रेसिंग भी करा सकते हैं, बच्चे से बोलेंगे कि इसको प्रेस करो प्रेस करो, इस तरीके से बच्चा उसको प्रेस करेगा तो उसको टेक्चर भी मिल रहा है और उसको उसकी फिंगर्स पे प्रेशर भी पड़ रहा है। प्रेस 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 प्रेस, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने लिया है ये वाटर बॉल्स एक्टिविटी, जिसके अंदर ये छोटे छोटे जेली बॉल या जिनको वाटर बॉल्स भी कहते हैं भरी हुई होती हैं, ये आपको आसानी से टॉय शॉप पर मिल जाएगा। इससे भी बच्चे बहुत खुश होते हैं, इस एक्टिविटी से भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने ये जेली बॉल या जिनको वाटर बॉल्स भी बोलते हैं ये बॉल लिए, इस बॉल के अंदर ये जेली बॉल्स भरी हुई हैं। इस एक्टिविटी को करके भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। इस तरीके से बच्चे के ऊपर हाथ पे हम रोल कर सकते हैं इस बॉल से, इस तरीके से। इसका टेक्सचर बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चे से हम इस तरीके से इस बॉल को प्रेस भी करवा सकते हैं। इस बॉल को प्रेस करने से बच्चों को बहुत रिलैक्स फील होता है और बच्चों को टेक्सचर भी मिलता है। प्रेस करो, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, प्रेस, वेरी गुड, नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने ये लूफा लिया है, इसको हम नहाने के टाइम भी यूज करते हैं। इसको हम बच्चे की बॉडी पर इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से रब कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे बच्चे जो किसी तरीके के टेक्चर को अपनी बॉडी से टच नहीं होने देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई भी बाहर की चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ उनको टच करे, उससे ऐसे कराने से बच्चे इससे बहुत रिलैक्स फील करते हैं और बच्चे को टेक्चर से भी एक्सपोजर मिलता है। इसको हम बच्चे के हाथ पे पैर पे भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने टब के अंदर थोड़ा सा पानी भरा है, उसके अंदर कुछ कलरफुल बॉल डाली है। इनसे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और बच्चों को वाटर एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके अंदर हम बच्चे को बॉल डालकर बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा चलवाएंगे। चलो इस तरीके से बच्चा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वॉक करेगा और बच्चा वॉक करते करते काफ़ी इंजॉय करेगा, क्योंकि बच्चे को इसमें टेक्चर भी मिल रहा है, बच्चे को पानी मिल रहा है, क्योंकि बच्चे पानी से खेलना बहुत पसंद करते हैं। और कलरफुल एक्टिविटी, कलरफुल बोर्ड होने के कारण बच्चे को इसमें चलना बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको आप घर पे ही करवा सकते हैं, इजीली घर में करवा सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे डिस्कस करूंगी, तब तक के लिए थैंक यू। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे डिस्कस करूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।